पिछले 70 सालों से देश में अपनी पैठ जमाए बैठी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपसी झगड़े देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से पार्टी की एकता खंडित होते हुए नजर आ रही है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य युवा नेता जितिन प्रसाद बुधवार को कांग्रेस से अपना हाथ छुड़वाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जितिन कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी थे। इतने सालों से लगातार कांग्रेस के साथ बने रहने के बावजूद उन्होंने यूं अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों किया, यह बात आम जनता को जरा भी हजम नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितिन पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पार्टी के अहम फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है और इसी बात को लेकर कई दिनों से वे प्रियंका और राहुल गांधी से खफा थे। जितिन के पार्टी बदलते ही सोशल मीडिया पर सचिन पायलट का नाम ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कयास करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद क्या अब अगले नेता वे होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल सचिन पायलट भी राजस्थान सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर निकले थे। उस समय पायलट ने कुछ मांगे रखी थी और जो मुद्दे उठाए थे कांग्रेस ने उन्हें पूरा करने और मुद्दों के निराकरण का आश्वासन भी दिया था। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। बुधवार को सचिन ने खुद इंटरव्यू में कहा कि 10 माह हो चुके हैं, मुझे कहा गया था कि समिति की ओर से तत्परता से कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आधा कार्यकाल हो चुका है और इन मुद्दों को सुलझाया नहीं गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के पक्ष में जनादेश निकालने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। जयपुर से इशिका जैन की रिपोर्ट।